असलम स्टूडेंट्स पिछले सेशन में हमने इनोवेटिव अप्रोचेस में डिज़ाइन अप्रोच और उसके लिमिटेशंस की बात की एक केस स्टडी के जरिए डेमॉन्स्ट्रेट भी किया कि डिज़ाइन अप्रोच जो है वो कैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में यूज़ हो सकती है इस सेशन में हम एक और अप्रोच जिसको थर्ड सेक्टर अप्रोच कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेक्टर की टर्म आपने इस कोर्स में पहले भी सुनी है आपको याद होगा हमने कहा था कि एक सेक्टर जो है प्रोविजन का वो गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट लोगों को उनकी ज़रूरियात फ्राहम करती है और एक दूसरा सेक्टर जो है वो है प्राइवेट या मार्केट सेक्टर जिसको कहते हैं कि मार्केट्स लोगों की प्रोविज़न की ज़िम्मेदार होती हैं या तो उनको चीज़ें फ्राहम करती हैं ऐसे में थर्ड सेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यूज़ किया गया कि ये ना तो गवर्नमेंट की कोई एंटिटी है गवर्नमेंट ये काम कर रही है ये प्राइवेट लोग हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन प्राइवेट होने का मतलब ये नहीं है कि ये टोटली प्रॉफिट ड्रिवन है या मार्केट जो है उसके रूल्स पर काम करते हैं बल्कि इनका मिशन जो है वो सोशल इम्पेक्ट है माशरे में सोशल वैल्यू क्रिएट करना है तो ये जो थर्ड सेक्टर की टर्मिनोलॉजी है इसकी एक हिस्ट्री है नाइन्टीन सेंचुरी में फिलोथ्रापी चैरिटी वॉलन्ट्री एक्शन ये चीज़ें जो हैं ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एंड कल्चर ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थी क्योंकि समझा ये जाता था कि गवर्नमेंट के साथ ये लोगों को प्रोविजन के लिए वो लोग ख़ास तौर पर जो खुद अपने लिए अपने वसाइल पैदा नहीं कर सकते उनके लिए प्रोविजन की जिम्मेदार हैं और ये कोई बाज़ के लिए रिलिजस ड्यूटी थी बाज पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ वॉलन्ट्री एक्शन करते थे बाज़ सोशल रिस्पॉन्सिबलिटी समझते हुए हत्या के यहाँ तक के ये समझा जाने लगा कि ये चैरिटी और वॉल्ट्री एक्शन ये वाली चीज़ें जो हैं ये वेलफेयर स्टेट की डेवलपमेंट की एक स्टेज है कि पहले ये स्टेज आती है फिर आहिस्ता आहस्ता वेलफेयर स्टेट बन जाती है जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टेट रिस्पॉन्सिबलिटी होती है लेट ट्वेंटी सेंचुरी में बहुत सारे मुल्कों में दुनिया के इस एक एक बाकायदा एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात समझ में आई कि स्टेट हर चीज़ की प्रोविजन की जिम्मेदारी नहीं ले सकती स्टेट उसमें कुछ जो हिस्सा था वो ह्यूमन राइट्स और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसका भी था कि लोग अपनी ज़िंदियाँ आज़ादाना और स्टेट की मुदाखलत के बग़ैर गुजारना चाहते हैं और दूसरी तरफ स्टेट के जो और बहुत सारे रोल्स थे जिसमें जंगें थी जिसमें इकॉनमी थी जिसमें फॉरेन रिलेशंस थे वो एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि स्टेट के लिए दूर दराज देहातों वलरेबल ग्रुप्स के दरमियान जो पोरेस्ट ऑफ द पुअर है उन तक पहुँचना एक तरह से मुमकिन नहीं रहा था ऐसे में ये जो थर्ड सेक्टर है इसने इवॉल्व करना शुरू किया और इसके अंदर मुख्तफ़ किस्म की एंटिटीज़ थी उसमें इंटरेस्ट ग्रुप थे उसमें एन थी नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर है और उसमें सोशल एंटरप्रेन्योर्स एक डिस्टिंक्ट एंटिटी के तौर पे उभरा सोशल एंटरप्रेन्योर विद इन थर्ड सेक्टर बाकी सेक्टर जो थर्ड सेक्टर के जो एंटिटीज हैं उनसे कैसे मुख्तलिफ है मार्केटाइजेशन मार्केटाइज़ेशन के असूलों पर अमल करते हुए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जो फंडिंग अरेंजमेंट है कि पैसा कहां से आता है सोशल इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट टोटली totally बदल गया अब लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप जो सोशल एंटरप्राइज करना चाहते थे जो सोशल मिशन को परसू कर रहे थे वो चैरिटेबल और फिलनथ्रोपिक परसनस के डोनेशंस का इंतज़ार नहीं करते थे वो अपने लिए फंडिंग ख़ुद जनरेट करते थे बाजुका बात वो फंडिंग के लिए बहुत इनोवेटिव तरीक़े इस्तेमाल करते थे मसलन ऐसी प्रोडक्ट्स बनाना जो आप एक कोजई मार्केट के तौर पे सेल कर सको कि वो ना तो टोटली फार प्रॉफिट हो ना ही उनका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो जैसा कि मार्केट में और बहुत सारी प्रोडक्ट्स का होता है सोशली रिस्पॉन्सिबल जिसको बिजनेस आप कह सकते हैं इस तरह के इनिशिएटिव सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने लिए ताकि वो अपनी फंडिंग ख़ुद जनरेट कर सकें इस तरह उन्होंने अपने आप को चैरिटी से और एनजीओ से अलग किया चैरिटीज ऑफ कोर्स डोनेशन की मोहताज हैं चैरिटेबल कोजेस हैं एन जो हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स इन दोनों के दरमियान में एक बिल्कुल डिफरेंट डिस्टिंग्विश्ड एंटिटी है जिसमें दोनों की खसूसियात हैं ऑन टॉप ऑफ दैट मार्केट प्रिंसिपल्स पर अमल करते हुए अपने फंड्स को जनरेट करती हैं जो फंडिंग अरेंजमेंट्स चेंज हुए उसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस थी कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्होंने फार प्रॉफिट वेंचर्स बनाए जिनके प्रॉफिट से वो अपने सोशल कॉज या सोशल मिशन को फंड करते थे कुछ इस किस्म के एंटरप्राइजेस डेवलप हुए जिनमें जो सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाई जाती थी यानी वही सर्विस थी और वही मिशन था और कुछ और जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो स्टिल वर लुकिंग फॉर फंडिंग जिसमें डोनेशंस भी हो सकते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग आउट या कंसल्टिंग वगैरह की ऑप्शंस भी हो सकती हैं तो इस तरह से विद इन दिस सेक्टर विद इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आई जाहिर है फ़ंडिंग अरेंजमेंट के फ़र्क होने से ऑर्गेनाइजेशन की एंटरप्राइज की शक्ल उसकी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म उसके जो डाइनमिक्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं ये डाइवर्सिटी जो है उसने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को एक्चुअली एक बूस्ट दिया एक स्ट्रेंथ दी किस तरह से कि अगर सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस नहीं भी जनरेट कर रहे तो वो सोशल कैपिटल जनरेट कर रहे हैं सोशल इम्पैक्ट जनरेट कर रहे हैं यानी आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो रिटर्न है या उसका जो फ़ायदा है उसे सिर्फ कैपिटल या फाइनेंशियल टर्म्स में ही नहीं देखते बल्कि सोशल कैपिटल के लोगों की जिंदगी कितनी बेहतर हुई उनका आपस में इंटरेक्शन कितना बेहतर हुआ वो अपने आप को कितना इंप्रूव्ड या बेटर ऑफ महसूस करते हैं ये चीज़ इसको हम सोशल कैपिटल कहते हैं ये एक नई प्रोडक्ट जो है वो आप कह सकते हैं मार्केट में आई चौथी चीज़ जो थर्ड सेक्टर अप्रोच को एक डिस्टिंग्विश्ड अप्रोच बनाती है वो उसका एक सेट ऑफ स्किल्स है ऑफ कोर्स सोशल एंटरप्रेन्योर को सोशल प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको किसी हद तक एंटरप्रेन्योरियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी स्किल्स होनी चाहिए लेकिन उससे बढ़कर उसमें एक पॉलिटिकल एबिलिटी या स्किल होनी चाहिए कि वो जो उसका सपोर्ट बेस है वो कायम रहे का गवर्नमेंट से है का डोनर से है का लोग उसकी बात पर यकीन करके उसके साथ खुद एक्शन लेते हैं ये जो सपोर्ट बेस है इसको कायम रखने के लिए उसको एक ख़ास किस्म की पॉलिटिकल स्किल्स चाहिए इस चीज़ ने सोशल एंटरप्रेन्योर को एन से और चैरिटीज़ से अलग कर दिया जो कि अपने आप को अमूमन ए पॉलिटिकल रखते हैं कि पॉलिटिक्स में हम शामिल नहीं हैं हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बाकायदा एडवोकेसी करते हैं वो सोशल मूवमेंट्स का हिस्सा बनते हैं वो लोगों तक एक एक्सेस करते हैं पॉलिटिकली ताकि वो अपनी सपोर्ट बेस को कायम रख सके। इस लिहाज से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन इट्स एक थर्ड सेक्टर है गवर्नमेंट और मार्केट्स के साथ साथ और विद इन थर्ड सेक्टर इसकी मार्केटाइजेशन इसकी जो अल्टरनेटिव फंडिंग अरेंजमेंट्स हैं इसकी जो सोशल कैपिटल प्रोडक्शन की सलाहियत है और इसकी ये जो पोलिटिकल आउटरीच है उसकी वजह से ये खुद एक डिस्टिंक्ट सेक्टर है थैंक यू